कल कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बात की और उन्होंने कहा, जैसा कि यह विदित है कि कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर जो अति दुखद व अति कष्टदायक एवं दिल को दहला देने वाला बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं और जिसकी खबर मिलते ही फिर कल से पूरा देश बहुत ज्यादा गम में है व काफी ज्यादा आक्रोशित भी है। इस अति दर्दनाक व अति चिंताजनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही इस दुख व गम की घड़ी में शहीद हुए परिवार के साथ खड़ी है। इसके साथ ही इस घटना को अति गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह विनम्र अनुरोध करती है कि वह ऐसे विकट समय में अपनी केवल आज के ही नहीं बल्कि इस घटना से जुड़े इसके वास्तविक तारों तक पहुंचने तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करके और साथ ही अब अपने चुनावी स्वार्थ व द्वेषपूर्ण राजनीति को बंद करके तथा दुनिया के खासकर सभी शांति व अमन परस्त देशों को साथ लेकर अब इनको इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना चाहिए। जबकि इस मामले में सरकार के हर कदम के साथ पूरा देश व यहाँ इनकी सभी विरोधी पार्टियां भी अपने राजनीतिक गिले शिकवे भुला कर इस समय इनके साथ एकजुट होकर खड़ी हैं। अर्थात अब इनसे निपटने के लिए केवल यहाँ मात्र कुछ मिनटों का मौन रखने व शोक प्रकट करने से एवं कैंडल मार्च निकालने से तथा इस घटना के विरोध में मात्र खोखली व हवा हवाई बयानबाजी करने से और हमेशा की तरह इससे भी कड़ी निंदा शब्दों में निंदा आदि करने से भी कोरा काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इसके स्थायी हल के लिए अब यहाँ केंद्र की सरकार को व खासकर अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को खुलकर सामने आना होगा। इसके साथ साथ इस मामले में इनको अपनी सरकार की खास आईबी व अन्य और ढीली ढाली चल रही मुख्य एजेंसियों की कमियों को भी जरूर दूर करना होगा, वरना इस मामले में कहीं ज्यादा देरी होने की वजह से फिर अपने देश में कोई और भी ज्यादा अनर्थ न हो जाए, साथ ही फिर मजबूरी में अपने देश व जवानों के हितों में यहां खुद ही अपनी आर्मी को भी मैदान में उतरने की जरूरत महसूस ना हो, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब केंद्र की वर्तमान सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना चाहिए। ऐसी मेरी केंद्र सरकार से यह पुरजोर अपील भी है। केंद्र की सरकार से मृतक जवानों के परिवार वालों को समुचित अनुग्रह राशि देने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार की मदद देने की मांग करते हुए सुश्री मायावती जी ने पार्टी के लोगों से भी अपील की कि वे पीड़ित परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुटता के लिए हर संभव सहयोग करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।